जहाँ शिव वहीं स्वर्ग, वो देखो स्वर्ग। तो गाइस अभी हम लोग बस स्टेशन आ गए थे, बस निकालने में टाइम है तो कोई भी ब्रश नहीं किया था, तो ब्रश कर रहे हैं अभी सब, अभी कर लिया, अभी जा रहा हूँ, मैंने रजिस्ट कर लिया, निकल आएगा करेगा, फिर बस चलेगी तो बैठेंगे, फिर उसके बाद एक दो घंटे की रुकेगी तो फिर देखेंगे क्या खाना पीना है। पीछे देख सकते हो पहाड़ 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 के बीच में पेट्रोल पम्प, ऊपर बर्फ देख सकते हो। तो अभी हम केदारनाथ के लिए चलते हैं। तो ये नया व्लॉग है वैसे, वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। तो चलते हैं फिर और इसी तरह बनाते रहेंगे रास्ते भर में वीडियो, और देखेंगे जहाँ जहाँ मोहल्ले का वीडियो बनाएंगे और बताते रहेंगे चीज़ें। तो अभी हम लोग चमोली पहुंच गए हैं। रुका था, ये देखिए मटर का पेड़, अभी जा रहे हैं, बस चल रही है इसलिए। तो अभी जो है बस इधर साइड पे से जा रही थी कर्णप्रयाग, तो यहाँ पे देखिए कैसे दो डिफरेंट टाइप का पानी मिल रहा है, एक एकदम प्योर हरा और इधर थोड़ा सा पानी, और यहाँ नीचे नहाने के लिए लोग हैं। तो यहाँ से देख सकते हैं कि केदारनाथ दिखा रहा है 92 किलोमीटर, तो मतलब अभी 92 किलोमीटर है, तो आप समझे 2 से 3 घंटे का फिर भी रास्ता अभी बाकी है। तो अभी हम लोग सीतापुर पे बस छोड़ दिए हैं और सोनपुर के लिए पैदल जा रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा जाम लगा था यहाँ पे, तो हम लोग सोचे उतर जाए, आधा 1 किलोमीटर था तो हम लोग सड़क तक चढ़ जाएंगे, तब सीधे सोनप्रयाग पहुँच के वहाँ पर ब्लॉगिंग करते हैं। तो अभी रास्ते में ही है, सोनप्रयाग ही जा रहे हैं, थोड़ा सा बाकी है, थोड़ी देर में जब वहाँ पहुँच जाएंगे तो आज वहीं रूम लेंगे क्योंकि गौरीकुंड नहीं जा सकते, और फिर यहीं रुक जाएंगे, फिर सुबह जल्दी ही निकलेंगे गौरीकुंड के लिए, क्योंकि फिर वहाँ से जितने जल्दी ट्रैक शुरू कर दे उतना बढ़िया, क्योंकि अगर ट्रैकिंग जल्दी शुरू कर देंगे तो फिर जल्दी पहुँच सकते हैं वहाँ इसलिए। तो यहाँ पे देखिए पार्किंग कितनी बड़ी है, अभी पहुँचे नहीं सोनप्रयाग, थोड़ा सा और है, थोड़ी देर में पहुँच ही जाएंगे। तो अभी सोनप्रयाग पहुँच गए हैं, उधर देखो सामने जो दिख रहा है वो पार्किंग है यार बनाने से। गाइज अभी हम लोग सोनप्रयाग पहुंच गए थे और रूम ले लिए हैं, अभी देखो रूम दिखाता हूँ मैं, 3000 का मिला है हम लोग को बस 12 बजे तक के लिए, देख लो एकदम नॉर्मल सा रूम है, ठीक पूरा नॉर्मल है, और बाथरूम तो देखने लायक नहीं है फिर भी दिखा दे रहा हूँ। तो इधर से लाइट है, देख सकते हो एकदम इंडियन स्टाइल बाथरूम है, और जितने लोग यहाँ रुके थे सब अपना साबुन छोड़ के गए, तो वो सब यूज ना करना कोई, वॉश बेसिन नहीं है, एक ही नल भी है। तो इधर बैग वैग, और एक जरूरी बात बता रहा हूँ कि मतलब जब भी यहाँ आना तो नीचे जहाँ से भी आना कैश पूरा भर के लाना, क्योंकि यहाँ कैश का बहुत मतलब एटीएम है पर कैश का भी मिलेगा नहीं, और आपको जैसे कि जहाँ रूम लियो उनसे ले सकते हो आप लोग, जैसे हम लोग 2-3 जगह पता किए, तो दुकान में जा रहे थे तो उनसे बोले कैश के लिए, तो वो 1,000 पे 40 रुपये मांग रहे थे, मतलब 4%, और अभी होटल वाले जिनसे रूम लिए उनसे पता किए तो वो 1,000 पे 1%, मतलब 10 रुपये मांग रहे हैं। तो कैश आप लोग नीचे से ही लेके आना अगर पैसा बचाना चाहते हो तो ज़्यादा सही रहेगा। तो अभी तो हम लोग खाना वाना भी खा लिए हैं, खाना यहाँ पे नॉर्मली रेट में रहता है, ज़्यादा महंगा नहीं रहता, रूम का है महंगा इस समय क्योंकि अभी कुछ ज़्यादा ही भीड़ भी है। और इसके बाद अभी हम लोग कल चढ़ाई शुरू करेंगे, कल 3 बजे निकल जाएंगे, तो अभी तो यहाँ ज़्यादा मतलब ठंडी भी नहीं है, आप एक टी शर्ट इनर कुछ भी पहन के रह सकते हो यहाँ सोनप्रयाग में। फिर अभी ऊपर ही चलेंगे कल सुबह, तो फिर वहाँ बात करते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, अब सुबह मिलते हैं, सुबह बताते हैं फिर कैसा रहता है, ठीक। हम लोग यहाँ से पानी भर रहे थे, देखो अभी नॉर्मल हो गया, पर अभी देखो नीतीश भर के दिखाएगा कैसा है बोतल, दिखाया जा रहा है इसमें बोतल, ये देखो
कैसा पानी है। अभी नॉर्मल हो जाता है थोड़ी देर में। अरे नॉर्मल हो गया। तो सुबह 4:30 बजे लाइन लगी सिर्फ गौरीकुंड जाने के लिए टैक्सी से। तो अभी 5:30 बज गया है, अब जाके अभी हम लोग को टैक्सी मिलने वाली है। अभी भी लाइन है पीछे और रोशनी इधर ही है, बाकी अंधेरा है इसलिए वीडियो नहीं बना रहा। और देखते हैं कब मिलती है टैक्सी। अभी टाइम है, टाइम क्या है, आगे टैक्सी स्टैंड है 200 मीटर पे, फिर वहीं से मिलेगा। तो वहाँ आप टैक्सी में बैठ के ऊपर पहुँच जाएंगे तभी। तो अभी फूड ट्रैक आप देख सकते हो 14-16 किलोमीटर है। तो अभी हम लोग चढ़ाई शुरू कर दिए 8 बजे गौरीकुंड में नहाने के बाद। और 500 मीटर चले हम लोग, 500 मीटर चल भी लिए, पानी निकल। हाँ तो अभी मिलते हैं थोड़ी देर में। यहाँ देख सकते हो कितना भीड़ है, घोड़े वालों की कुछ ज्यादा ही भीड़ है। और रास्ता इतना गंदा है, यहाँ तो कम गंदा है, फिर भी पहले तो बहुत गंदा था। नीचे से जहाँ से आ रहे हैं वहाँ तो बहुत ज्यादा गंदा था घोड़े की वजह से। उधर देखिए झरने से कैसे ले जा रहे हैं घोड़े को, मतलब आदमी का भी वही रूट है, बहुत डेंजरस है। अभी हम लोग देखे 2-3 जगह कि आदमी का भी हालत खराब है घोड़े पे, घोड़े का भी हालत खराब। तो कितना गंदा है सब जगह, घोड़ा गोबर गोबर घोड़ा गोबर। हाँ पर ये है वाटरफॉल वाल बस थे, यहाँ लोग फोटो वीडियो खिंचा रहे हैं। तो पत्थर छीका सरक रहा है, पार कर लिया मैं, निखिल उधर पार कर रहा आ रहा है। हेलो हेलो, चलो चलो चलो। नहीं अभी तक खस्ता नहीं हुई, 1.5 किलोमीटर ही हुआ होगा 16 किलोमीटर में से, तो कैसे हो जाएगा इतने में। अगर हालत खराब होगी तब तो क्या बड़ा हो जाएगा ना ऊपर जाते जाते, पर अभी नहीं हुई। बस यही है कि रास्ता बहुत गंदा गंदा है यार। रुक के यहाँ पे चाय नाश्ता कर रहे हैं, फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद फिर से चलना शुरू करेंगे। इधर ये भाई साहब बढ़िया से चाय पीते हुए, मैं तो चाय पीता नहीं, निखिल जी को दिखा दीजिए। हाँ तो मैं तो चाय पीता नहीं, तो मैं मैगी खा रहा। फिर अभी ऊपर चलते हैं, मिलते हैं। देखिए पुनीत जी के झंडा लेके चल रहे हैं, सामने बर्फ वाली पहाड़ियाँ दिख रही हैं, शायद हिमालय, पता नहीं हिमालय रेंज होगी। ये हिमालय रेंज रहती है, और ये हिमालय रेंज रहती है, हिमालय रेंज है। अभी 1-2 किलोमीटर ही चढ़ेंगे बस, ज्यादा नहीं। मैगी वैगी खाने के हर 10 मिनट में रुक जा रहा बंदा, कर नहीं पा रहे अभी। लेकिन हमको लगता है रात में 8-9 बजे तक पहुंच जाएंगे, रुकते रुकते जाएंगे आराम से। तो अभी यहाँ पे हम लोग रुक गए हैं, इधर 5 मिनट व्यू देखेंगे फिर चलेंगे इधर खाई। तो अभी इतनी ज्यादा गर्मी होने लगी कि सब इनर उनर उतारना पड़ गया, जैकेट वैकेट, जिसकी वजह से बैग और भारी होंगे। पर ऊपर पहुंच जाऊंगा तब ठंडा रहेगा, तो सही है लेके आना ही था। पर अभी चढ़ने के लिए एक टी शर्ट ही काफी थी। तो अभी हम लोग भैरव मंदिर तक पहुंच गए और ऊपर जा रहे हैं। तो अभी फिर से एक और फाउंटेन आ गया, और बगल से जा रहा है घोड़ा महाराज। यहाँ एक और वाटरफॉल आ गया, और देख सकते हो घोड़ों की हालत खराब है, मतलब 2700 एक टाइम का लेते हैं घोड़े को ऊपर चढ़ाने का, नीचे उतरने का भी 2700। तो बात यह है अगर ऐसा है तो लोगों को चौपर से जाना चाहिए, क्योंकि मैं रास्ते में देख चुका एक घोड़े को मरे हुए, एक को तड़प के मरते हुए देखता। और मैं वीडियो वीडियो नहीं बनाया वो सबका, क्योंकि सही नहीं है। पर जब भी आओ कोशिश करो या तो चौपर कर लो अगर पैदल नहीं चल सकते, नहीं तो पैदल आओ, घोड़ा के चक्कर में ना पड़िएगा। तो अभी 10:30 बज रहा है और 8:30 बजे हम लोग शुरू किए थे, 10:30 पे 4.5 किलोमीटर चढ़ लिए ऐसे ही वीडियो डाली।
तो साढ़े आठ से साढ़े दस मतलब दो घंटे में हमने 4:30 चल लिए। अभी है बाकी ज़्यादा, देखते कितने देर में पहुँचते हैं। 12 किलोमीटर है, 12 किलोमीटर और बाकी। हाँ, हिमबली पहुँच गए और बैठे हैं, मतलब 11 बजे पहुँच गए थे, 20 मिनट का ब्रेक ले लिए। 11:20 होने वाला है, 20 पे फिर चल देंगे, हो गया, निकल ही रहे फिर से। अब भीमबली से कितना किलोमीटर है? यहाँ से 10 किलोमीटर और है, तो लगभग पहुँच ही गए। दो रास्ता था, एक ये ऊपर वाला जिससे निकल जा रहा है अभी तक, एक ये वाला जिससे मैं और निकल जा रहे हैं। तो ये वाला शायद थोड़ा छोटा है, पता नहीं, कंफ्यूजन है। देखिए ऐसे, तो हम लोग मतलब एक जन इधर से जा रहे हैं, एक जन उधर से। देखने अभी पीछे से दिखाता हूँ वाला जो है, यहाँ पे पुल मिल रहा है और ये उधर ले जाएगा, और जिस पे नीतीश गया है वो आगे से जाके आगे पुल कहीं मिल रहा है। तो हम लोग इससे आगे देखते हैं ये छोटा है कि बड़ा, पता ही चल जाएगा। एक और बात, वो वाले रास्ते पे ना ये जो छोटा वाला था, देखो वहाँ पीछे एक पुल दिख रहा होगा, वो उधर पुल। तो क्या कहते हैं कि उधर से रास्ते का जो किलोमीटर वाला एरिया वो हटा दिया, कोई मिटा दिया था कि दिखाने के लिए छोटा एक बड़ा। इधर दिखाता हूँ नीचे, बहुत मस्त व्यू है। तो देखो वो वाले पुल से जहाँ है वहाँ पुल आगे नीतीश आएगा, वहाँ से हम लोग इस पुल से जाएंगे। हाँ, देख सकते हो कि तब का व्यू। अभी पुल पे जाते हैं, वहाँ से वीडियो बनाएंगे हल्का सा, फिर खच्चर क्योंकि देर तक नहीं है, तो हम लोग पुल पे अच्छे से वीडियो बना सकते हैं। पुल पे जा रहे हैं, देखिए इधर से वीडियो थोड़ा सा बना लेते हैं पहले। तो ये देखिए, हाँ देखिए ऐसा है कुछ, बहुत मज़ेदार है। हाँ देख रहा हूँ, कैसा लग रहा है निखिल, कैसा लग रहा है? और यहाँ मैं वादियों के बीच में और सामने से खच्चर, अब मोबाइल जेब में डालने के बाद। तो अभी यहाँ से 8.5 किलोमीटर और है, टाइम हो गया है 12:10। हम लोग बीच में लंबा टर्न मार दिए, 2 किलोमीटर ज्यादा वाले रास्ते से आगे जो टर्न मारे थे वो 2 किलोमीटर ज्यादा लंबा था। उधर एक घोड़ा मारा पड़ा है, उधर वो ट्रैक्टर चला रहा है, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं। वो देखो उधर ट्रैक्टर चढ़ा रहा है, कुछ भी हो रहा है। तो अभी काफ़ी ऊपर आ गए हैं, यहाँ से शायद 6 किलोमीटर, भाई दो बार बोर्ड आया 6-6 किलोमीटर का। मुझे लग रहा है 1 किलोमीटर चढ़ गया, उसके बाद फिर बोर्ड आया 6 किलोमीटर का। और क्या कहते हैं कि अब यहाँ से भी 6 किलोमीटर दिखा रहा है। अभी नीतीश ने केवल शॉर्टकट मार रहे थे, वो लग रहा था लॉन्ग कट, मैं नहीं मारा, मैं डायरेक्ट चलाया इसे। अभी वो लोग पीछे ही आए ही नहीं, तो अब वेट भी कर रहा हूँ उन लोग का भी। सामने देखो हिमालय दिख रहा है बहुत अच्छे से, प्यारे से फोन में आ रहा है तो समझ जाओ कि असली में बहुत अच्छे से दिख रहा है। हल्की हल्की धूप है, देखो यहाँ से पानी भरा, एकदम साफ पानी, अब यही पीऊंगा। अभी निखिल और नीतीश भी आ गए। तो अभी देखिए बहुत मस्त सामने हिमालय, देखिए अब पहाड़ एकदम क्लियर दिख रहा है। और ये वाला शॉर्टकट मार के आए, चले चलते हैं। रास्ता उधर से था बहुत लंबा, इसको मार लिया तो 2 चढ़ाई कम हो गई ये वाले शॉर्टकट से। तो अभी केदारनाथ 4 किलोमीटर, बेस कैंप 2.5 किलोमीटर। अभी देखो ये लोग कहाँ से उतर रहे हैं, देखो देखो ये दिख रहा है कि नहीं, आई डोंट नो यार। वो देखो वहाँ से उतरने दिखा, वो देखो ऐसे डेंजरसली जा रहे हैं शॉर्टकट के चक्कर में। वहाँ ऊपर से दिख नहीं रहा यार, ये देखो। तो अभी देख सकते हो ये आजू बाजू फॉग नहीं, बादल है। और अभी बैठे उधर उधर निकल नीतीश बैठे हैं, और वो जो रास्ता दिखा रहा था शॉर्टकट वाला, वो देखो पीछे से दिखा था। वो देखो वो जो शॉर्टकट वाला, यहीं से उस पहाड़ के नीचे उतर जाते लोग। तो अभी ये वाला शॉर्टकट लेके सीधे बेस कैंप जाएंगे। फाइनली अभी हम लोग बेस कैंप पहुंच गए, और यहाँ बहुत भीड़ है, घोड़ा वोड़ा सब मिल रहा है नीचे जाने के लिए। दोबारा थक गए, ज़्यादा नहीं पर थक गए, लगातार चले ना इसलिए, पर टाइमली पहुंच गए, मतलब 4:51 5 बजे पहुंच गए।
अगर अभी भी यहाँ से केदारनाथ के लिए चलते तो आधे घंटे में पहुँच जाएंगे, क्योंकि अब सीधा रास्ता है। तो अभी देखते क्या करते हैं। जगह शॉर्टकट मार रहे थे जहाँ नीतीश और नितिन मार लिए, मैं नहीं मारा। वहाँ पे मारते मारते रुक गया, देखा एक लड़का गिर गया हल्का सा फिसल के। तो जब फिसल गिर गया तो मैं सोचा कि अब नहीं करते हैं। तो एक दीदी थी पूछने लगी कि आप इधर से जा रहे थे, गए क्यों नहीं? हम कहे अभी देखे फिसल गिर गया है तो नहीं जाएंगे। तो वही हफ्ते लगे, वही थे लंबे रास्ते से पकड़ के अब आ गए। साइड ना उधर पहाड़ का दिख रहा है रास्ता, वो पुराने वाला रास्ता जिससे पहले आते थे वो 16 किलोमीटर था, ये वाला जिससे आए हैं वो 22 किलोमीटर है। और 2 किलोमीटर ज़्यादा हम लोग चल दिए क्योंकि हम लोग लॉन्ग टर्न मार दिए थे मैं और निखिल। पर चलो कोई ना, बेस कैंप पे इस तरह टेंट्स मिल रहे हैं 3,000 में। इंडिविजुअल लेंगे तो 500 का पर पर्सन पड़ रहा है। तो गाइस अभी हम लोग को टेंट मिल गया है 2,000 में मिला, और कम में मिल सकता था, मतलब हम लोग से कुछ मोल भाव में गड़बड़ हो गई। और ठंडी यहाँ जम के है, तो मतलब अभी तो 3-4 डिग्री है, अभी और कम हो जाएगा। और मंदिर जैसे सामने शायद जैसे दिख जाए बहुत हल्का सा दिख रहा है, पर अभी चलो वहीं चल रहे हैं। थोड़ा सा ही है, मुश्किल से 200-250 मीटर और नॉर्मल है, मतलब लेवल जो है नॉर्मल है, कुछ चढ़ाई और उतराई नहीं है तो कम ही है। और टेंट में आके दिखाता हूँ, पहले मंदिर चलते हैं, बाहर से आरती देख लेंगे। मंदिर पहुँच गए हैं, वो देखो दिख रहा होगा, जय केदारनाथ बाबा की, हर हर महादेव। तो अभी हम लोग सीधे मंदिर के एकदम पास पहुँचते हैं और फिर वहीं से वीडियो बनाते हैं। तो अभी जस्ट केदारनाथ मंदिर सामने और अंदर आरती हो रहा है। कितनी भीड़ है यहाँ पे, बहुत भीड़ है, पर अभी दर्शन हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि ऐसे हो नहीं पाए। तो अभी हल्की हल्की बारिश होने लगी। तो यहाँ अभी हम घर पे यार वीडियो कॉल करने की कोशिश कर रहे थे, पर जियो ही नहीं काम कर रहा है वैसे यहाँ पे। अब वो एयरटेल वाला ऑन किया हूँ, साइड से हो जाए तो उससे नेट कर लेंगे। किधर किधर मंदिर कौन नहीं देखा, आरती जा रही है अभी, नीचे जाती है किसी और मंदिर, फिर वहां से वापस ऊपर जा रही है उधर की। ऐसे गाय के मुंह से पानी निकल रहा है, मतलब जल चढ़ा सकते हैं आप, क्योंकि इतने ठंडी में सच बात यही है कोई नहाना प्रिफर नहीं करेगा, और नहाना भी नहीं चाहिए, सेहत को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। और मतलब अगर आप नीचे से नहा के आ रहे हो तो आपको नहाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, काफी रोजा। अभी मैं केदारनाथ के जस्ट पीछे आ गया हूँ मंदिर के, और इधर देखिए भीमशिला देख सकते हैं, भीमशिला लोग यहाँ पूजा कर रहे हैं, रात के समय में बारिश हो रही है। सुबह के 3:30 बज रहे हैं करेक्ट, और हम लोग मंदिर के बाहर है, बस दर्शन करने जा रहे हैं। तो फिर दर्शन करके तब मिलते हैं। तो अभी जिस मंदिर का पाठ खुले हैं, हम लोग दर्शन करके निकल लिए हैं। इधर ईशा फाउंडेशन वाले सदगुरु जी वाला आए यहाँ पे लोग, तो देख सकते हैं कैसे यहाँ पे मंत्रों से करके मेडिटेशन कर रहे हैं। और इधर मैं भीमशिला के पास खड़ा हूँ, अभी दर्शन वर्शन सब हो गया, तो अभी यहाँ का पार्ट बंद हो गया और दर्शन चल रहा है धीरे धीरे, लोगों को अंदर बुला के दर्शन कर रहे हैं, मतलब बंद नहीं हुआ। और देख सकते लाइन अभी भी लगी हुई है, भयंकर लाइन है। देखें सब कैसे यहाँ पे घर बना है, ढेर सारा मतलब खूब ढेर सारा, घर ही घर दिख रहा है पूरा उसमें, पर अंधेरा तो कम दिख रहा होगा। पर यहाँ से देखिए ये देखिए सब घर ही घर बहुत पीछे तक सब घर ही घर है। तो इधर मैंने भी एक छोटा सा बना दिया, 3 पत्थर का वो होता है ऐसे गिरा पड़ा, 3 पत्थर मिल गया उसी से जस्ट पीछे। तो इधर ही जस्ट बनाया हूँ, याद रहेगा कभी।
तो ठीक है, जब अगली बार आऊंगा अगर याद रहा तो देखूंगा है कि नहीं, पर अभी तीन पत्थर का सही है। राइज होने वाला है, पहाड़ हल्का हल्का दिख रहा होगा, और ये पीछे बैठा था मंदिर के। ठंडी बहुत ज्यादा है, हाथ बाहर निकाल दिया, मेरा हाथ पूरा जम गया। अभी यहाँ से फोटो वीडियो लेने के बाद हम नीचे उतर रहे हैं मंदिर से, क्योंकि नीतीश ने कहा काफी देर से वेट कर रहा है मेरा, यहाँ फोटो वीडियो खींचने लगा था। इधर सब पानी पी रहे हैं, इधर छोटा सा और मूर्ति उर्ति रखी है भगवान की, ऊपर हिमालय इतने सुंदर दिख रहे हैं, इधर लोग दर्शन कर रहे हैं, देख सकते हैं। ये तो VIP लाइन है, यहाँ तो पर्चा कटता है 5,000 का, तो यहाँ से होता है। अभी पूरा पैक हो गए हैं और सब कुछ कर लिए हैं, फोटो वोटो ऐसे भी खिंचा लिए तो रखने के लिए, मेमोरी के लिए, तो सब ले लिए दर्शन वर्शन। बस थोड़ी देर में यहाँ से निकलेंगे टेंट के लिए, फिर वहाँ से निकलेंगे सीधे नीचे के लिए, और देखते हैं नीचे रुकेंगे कि सीधे हरिद्वार जाएंगे, ये अभी कन्फर्म नहीं, देखेंगे समय जैसा रहेगा, अगर समय नहीं हुआ रहेगा तो हरिद्वार जाएंगे सीधे। तो अभी थोड़ा सा आगे जाके फोटो खिंचाएंगे, इधर पूरा फॉरेनर्स का ग्रुप आया है। मंदिर के पीछे इधर टेंट मिलता है, उधर भी मिलता है, आगे तो बस पहाड़ी पहाड़ है, और उधर भैरव मंदिर, वहां तो नहीं जाएंगे क्योंकि टाइम भी नहीं है अपने पास आज, फिर कभी। तो अभी हम लोग चलते नीचे उतरते हैं टेंट में, पहले जा रहे सामान ले ले। ओ राजा, ये देखिए यही हेलीपैड है, वो देखिए एक हेलीकॉप्टर गया, दूसरा हेलीकॉप्टर वैसे आ गया, ये लैंड होगा, एक साथ दो हेलीकॉप्टर लैंड हो सकते हैं। इसमें तो लोग जा रहे हैं, उसमें से लोग आ रहे थे। सत्य यही टेंट था, इसमें तीन लोग घुस के सोए थे, 2,000 का दिया था रात में, और यहाँ कहीं कुछ नहीं खाली था, पर आगे सस्ते में मिल रहा था, मतलब हम लोग को 650 का करीब पड़ा, आगे 500 में मिल रहा था टेंटी, होटल वोटल कुछ नहीं मिल रहा, तो टेंटी था ही एक ऑप्शन अपने पास। अभी बस निकल ही रहा हूँ यहाँ से, चल दिए बेस कैंप पे, लगभग पहुंच भी गए हैं, 9 बज रहा है, अब देखते नीचे कितने बजे उतरते हैं। फिर से पानी पिए, जाते वक्त भी यहीं पानी भरे थे, अभी फिर भरे, अभी लोग यहाँ उतर ही रहे हैं, अभी भी दिख रहा है आप लोग को हिमालय। जहाँ शिव वहीं स्वर्ग, वो देखो स्वर्ग। लगभग लगभग हम लोग भीमबली पहुँचने वाले हैं, और यहाँ से करीब चाहिए देखिए परी स्वर्ग प्रदीप सिंह नैल, उनके उस पर बनाया होगा याद में, और अभी भी हल्का हल्का हम लोग को हिमालय दिख रहा है, नींबू पानी पी रहे हैं यहाँ पे, फिर चलेंगे। अभी बज रहा है 12 बज गया है, 12:07 हो रहा है, 12:07 नीचे उतर के बैग बात करेंगे। आते वक्त हम लोग दूसरे वाले ब्रिज से गए थे, अभी इस वाले ब्रिज से जा रहे हैं, वो वाला ब्रिज आगे वहाँ पे पड़ता है, ये वाला ब्रिज यहाँ पे पिछले बार हम लोग का था, वो शॉर्टकट है, पर वो थोड़ा ज़्यादा लंबा था और ये शॉर्टकट था, तो अभी हम लोग ये वाला ले रहे हैं। तो ये वाला पुल था, इससे क्रॉस कर रहे हैं अभी, तो पहले वाला पुल वहाँ पे है दिख रहा हूँ शायद, उसका व्यू ज़्यादा अच्छा है, इसका भी सही है, और जो ये वाला पुल है ये कमज़ोर पुल है, उस पर लिमिट है कि 20 से ज़्यादा लोग नहीं जा सकते, तो दोनों साइड देखोगे तो पुलिस वाले खड़े हैं। नीचे पहुंच जाएंगे हम लोग, गौरीकुंड यहाँ से 4 किलोमीटर है, मतलब लगभग खत्म कर दिया हम लोग,
तो लिखा रहता है 16 किलोमीटर है केदारनाथ, तो 22 किलोमीटर है। नया वे जो है वो 22 किलोमीटर का है, तो बस 4 किलोमीटर और फिर हम लोग नीचे फिर बस करेंगे हरिद्वार बैक टू पवेलियन। तो अभी सीधे नीचे मिलते हैं फोन पे आके। साढ़े तीन बजे के पहले ही, मतलब 3:15 हो रहा था, हम लोग उतर चुके थे। अभी बस टैक्सी स्टैंड पर पहुंच गए हैं, अब टैक्सी लेंगे। स्टिक क्या क्या कि एक अंकल आंटी जा रहे थे उनको थमा दिया, अब टैक्सी लेंगे और सीधे गौरीपुर से यहाँ सोन प्रयाग जाएंगे, फिर उसके बाद हरिद्वार की बस पकड़ेंगे, पर पहले बैग लेंगे। तो अभी जस्ट ब्रिज पर पहुँच गए और सोन प्रयाग में एंटर कर गए। 3:30 बज रहे हैं, हम लोग अपने रूम के पास पहुंचने वाले हैं हरिद्वार में। मैं बस उसमें वीडियो नहीं बनाया, बीच में श्रीनगर में रुकी थी गाड़ी, सोचा वीडियो बनाऊं, पर इतने जल्दीबाजी में था कि वीडियो नहीं बनाया। एक जगह तो ट्रैफिक लगा था सीतापुर, वहां से उतरेंगे मतलब सोन ट्रैक से उतरते हैं तो सीतापुर पड़ता है, वहीं से बस मिलती है, तो उसी से थोड़ा सा नीचे ही ट्रैफिक लगा था, उसमें 1.5 घंटे तक बस फंसी रही। तो अभी 3:30 बज रहा है और हम लोग अभी मतलब रात के मतलब सुबह के 3:30 बज रहा है और हम लोग अभी रूम के पास पहुंचे हैं। तो अभी अब सीधे रूम में मिलते हैं, जय केदारनाथ, जय बद्रीनाथ, फिर बताते हैं कैसा रहा सफर, हर चीज बात करते हैं। गाइस अभी हम लोग घर पे आ गए, सब चेंज वेंज कर लिए, अब सुबह भी हो गई है, सो गए थे फिर अभी उठे हैं। तो इतना ही था केदारनाथ का ट्रिप और बद्रीनाथ का भी, हो सकता है दोनों अलग अलग डालूं, हो सकता है दोनों एक में डाल दूं, तो देखूंगा, जैसे अलग ही अलग डालूंगा मोस्ट प्रोबेबली। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग जिसने देखा, और अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस बताओ तो बद्रीनाथ में बेसिकली क्या था कि भीड़ वीड़ ज़्यादा नहीं थी तो अच्छे से दर्शन हो गए। केदारनाथ में था कि आपको ऑप्शन था कि आप लाइन में भी लग सकते हो और ऐसे करके पूजा भी करा सकते हो। पूजा कराने के लिए आपको मतलब 5,000 का वहाँ टिकट कटती है तो वो कटवाना पड़ता। तो हम लोग 3 लोग थे तो 2 लोग और हम लोग अलग से ले लिए, 2-3 लोग और हो गए, तो मिल के सब लोग 1,000 की पर्ची कटवा दी, तो उससे हम लोग आराम से दर्शन कर लिए थे। तो उससे हम लोग को ज़्यादा टाइम लगा, मुश्किल से 15 मिनट लगना पड़ा लाइन में, और फिर अंदर जाके बढ़िया से शिवलिंग पास बैठ के पूजा कर सके थे। तो ये चीज़ भी कर सकते हो, और वहाँ लाइन में लगने से मतलब पूरे रास्ते अगर खर्चा ना करो और अंत में दर्शन के समय पैसा बचा लो वहीं पे खर्चा कर दो तो दर्शन अच्छे से हो जाएगा। ये है नहीं, ऐसे लाइन में लग के बहुत टाइम लग जाता है। तो हम लोग करीब 3:30 बजे रात में दर्शन कर लिए थे। तो ये व्लॉग फिर इतना ही रखते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो जिसने भी देखा कमेंट कर देना, लाइक कर देना, वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कर देना अगर मन करे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग और मिलते हैं अगले व्लॉग में जो पता नहीं कब आने वाला है। तो बाय बाय।